मिस्टर गफ्फूर किसी बाहर वाली से कर रहे हैं लपड़ झपड़। अब ऐसे में नौकर उठाता है कितना फायदा और मिसेस गफ्फूर मारती हैं कितने थप्पड़। चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम मंत्रा एज मिस्टर गफ्फूर, जैमी एज मिसेस गफ्फूर एंड मुबीन एज नौकर। हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान की शान, यंगिस्तान। वाह भाई बेहतरीन। आपका कॉमेडी सर्कस में स्वागत है साहब। और आपकी फिल्म यंगिस्तान में आप प्रधानमंत्री बने हैं। यस। आपके डायलॉग सुन के आंखों से आंसू निकल आए। डायलॉग्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री को बोलते हुए सुना है मैंने। पर मैं आपकी पिक्चर सुपर हिट होगी पप्पी लेके। हाँ आप गलत मत समझिए, ये हमारा चकिया कलाम है पप्पी लेके इस तरीके। हाय हाय नेहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आपकी फिल्म देखने आएंगे हम पप्पी लेके। नहीं इस बार तकिया कलाम नहीं था, इस बार दिल की फीलिंग बतला रहे थे आपको। हेलो। हाँ नेहा, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था मैं। कैसी हो? क्या तुमने कहीं सुना कि हमारी शादी हो चुकी है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो जिस औरत को तुमने हमारे साथ देखा तो हमारे मुनीम है। अरे सुनो ना, तुम्हारे लिए एक शेर लिखा है कि भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। अरे मुद्दत हो गई नेहा आए और हमारे गले लग जाए। एक सेकेंड नेहा, ऑफिस से फोन आ रहा है, एक सेकेंड मैं लगाता हूँ वापस। हेलो सविता, कैसी हो? तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे हम। क्या तुमको किसी ने कह दिया कि हम शादीशुदा? नहीं 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 नहीं, वो जो औरत हमें डांट रही थी बीच बाजार में, वो हमारे अब्बू हैं। क्या हमारे अब्बू सब्जी मंडी में साड़ी पहन के सब्जियां खरीदते पाए गए? हाँ तो शुक्र मनाइए उनकी याददाश्त वापस आ गई, कम से कम कुछ तो पहना, वरना कई बार तो बिना कुछ पहने निकल जाते। शेर लिखा था हमने कि भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। अरे मुद्दत हो गई कि सविता आए और मेरे गले लग जाए। हाँ भाई मोहब्बत है तो प्यार है, जो प्यार है तो प्यार ही हो सकता है साथ में भूत भूत। हॉरर पिक्चर है, हॉरर पिक्चर आ गई टीवी पे, मैं बाद में लगा था। क्या कर रहे थे? नहीं मैं तो ऐसे ही, मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख रहा था जाने मन, मतलब एक शेर लिखा है। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। अरे मुद्दत हो गई कि मेरी श्रीमती आए मेरे गले लग जाए। सुनो। हाँ जी। सामने बेडरूम है, है ना? उसके बाजू में रसोई है, है ना? वहां जाकर बर्तन धो पहले। अरे अरे हम क्यों बर्तन धोएंगे पप्पी लेके? वो नौकर कहाँ है तुम्हारा? अरे नौकर तो फिल्म देखने गया है और उसने कहा है कि आज उसके लिए खाना नहीं बनाना, ठीक है? हमारा हद हो गई यार। अरे मालिक से कोई काम करवाता है यार और वो नौकर फिल्म देखने के लिए निकाल क्यों नहीं देते उसको? वैसे भी दिन भर हम किचन में पड़े रहते हैं, उसकी जरूरत क्या है? तुम सारा टाइम किचन में पड़े रहते हो तभी तो जरूरत पड़ती है ना। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? जी नहीं। लड़की की हाँ ना एक समान है। हाँ मियाँ, तुमने इस घर को धर्मशाला समझ रखा है? कभी भी आते हो कभी भी जाते हो पप्पी लेके। हड्डा कर तो कहाँ रह गए थे तुम? काम पे लगो जाके सीधे। अरे अरे बेचारा थक गया होगा, अरे इसको आराम करने ले दो। अरे आराम पिक्चर देख के आ रहा है? कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया इनने? हाँ तो जो पिक्चर देख के आ रहा हूँ वो भी पहाड़ खोदने से कम वाला काम नहीं था। क्यों राम गोपाल जी पिक्चर थी साले? नहीं नहीं, वो मंत्र की एक फिल्म आ रही है उसका ट्रायल था। अच्छा तुम बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। नहीं माँ जी, मुझे पानी नहीं, मुझे कोल्ड कॉफी पीना है। सुनो भाई, ये घर हमारा कुत्ते की जैसे, ये बीवी हमारी कुत्ते की जैसे, बटुआ हमारा कुत्ते की जैसे, कॉफी तुम पियोगे? नौकर की तरह रहा करो तुम। नौकर की तरह कैसे? नौकर जैसे रहते हैं, जैसे जैसे मैं बताऊं? बताऊं? बताओ बताओ। जैसे कि अगर मालिक कहे कपड़े धोकर लाओ तो तुरंत कपड़े धोकर लाओ। हाँ बिल्कुल वैसे ही। तो खड़े क्यों, जाते क्यों नहीं? सुनो हम नवाब हैं, नवाब हम ये छोटे मोटे काम नहीं करते। ओफो, मैं ही चले जाती हूँ। एक मिनट, नवाब के होते हुए नवाब की बीवी कपड़े धोने जाए तो ही नहीं नवाब की। अच्छा, और नौकर के होते हुए अगर नवाब कपड़े धोए तो? दरिया दिली है नवाब की।
वैसे मालकिन, इसको छोड़िए कुत्ते के जैसे, मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है, तो सुनाओ ना। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, मुद्दत हो गई नेहा, तू कब आए और गले लग जाए। ये तो इनका शेर था जो इन्होंने अभी अभी मेरे लिए लिखा था। नहीं नहीं मालकिन, ये शेर तो नेहा का है जो उसने मुझे 2 घंटे पहले थिएटर में सुनाया था। मैं बर्तन धोने जाऊं? रुक जाओ अभी, ये नेहा कौन है? मालकिन मुझे अच्छे से पता नहीं, लेकिन वो थिएटर के गेट पे अपनी डेट का वेट कर रही थी, इससे पहले कि वो लेट हो जाती मैंने उसके साथ अपनी डेट फिक्स कर ली। और मैंने उसके साथ पिक्चर देखने गया, वो क्या कॉर्नर की सीट नहीं मिली, तो फिर हम लोग ने पिक्चर ही देख ली। तो ये शेर नेहा ने तुम्हें सुनाया था? हाँ। नहीं, 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 हम तो जानते नहीं है कौन है, किसकी बात हो रही है, तुम जानते हो? आपको भी नहीं पता नेहा कौन है, इसे भी नहीं पता नेहा कौन है, मुझे भी अच्छे से नहीं पता नेहा कौन है। नेहा को जरूर पता होगा कि नेहा कौन है। मतलब क्या हुआ? मतलब मालिक मोबाइल देना, क्यों? ये लो, नेहा को फोन लगाओ, उसे पूछो तू है कौन कलमुई जो हमारे घर में आग लगाने को तुली हुई है। अब पता चल जाएगा कि नेहा कौन है। तुम्हारा फोन आ रहा है। कौन सा? सविता। अब ये सविता कौन है? डार्लिंग तू पूछ रही थी नेहा कौन है, सुपरस्टार सामने देखो, अच्छी बड़ी एक्ट्रेस है, मतलब अच्छा सब चल रहा है। पहले ये अता माझी सटकली, मैंने कहा था ना झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। ए उल्टा जी देखो, बुरा मान जाएंगे, इधर करो। झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हमारे तुमसे तो सच भी बर्दाश्त नहीं होगा अगर सुन लिया तो। इसको बर्दाश्त कर लेती हूँ, आपको भी कर लूंगी। नहीं मेरी बात सुन, मेरी कोशिश करो। मैं तुम्हें सब समझाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं, लेकिन बे, 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 कुछ करना। अरे मालकिन, मालिक की कोई गलती नहीं है, मालिक बेकसूर है। हाँ। मैं आपको समझाता हूँ। हाँ। मैं नहीं समझना चाहती। समझ जाओ। मैं नहीं समझूंगी। समझ जाओ, मैं आपको समझा सकता हूँ, बेकसूर है मालिक, समझो। अच्छा ठीक है, समझाओ। नहीं आप नहीं समझोगी। मैं समझूंगी। नहीं आप नहीं समझोगी। अरे मैं समझूंगी ना। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल मालकिन बात यह है कि जैसा कि आप जानती हैं, मुझसे कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम कौन हो, क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ मैं इस घर में रहता हूँ और मैं मालिक हूँ, लेकिन इस घर का मालिक तो ये है। ठीक है। हाँ। इस घर का मालिक ये काम नौकरी तरह करता है, नौकर तो मैं हूँ, लेकिन मैं मालिक हूँ। हाँ। जब लड़की जिसको मैं बोलता हूँ इस घर को देखती है, तो सोचती है जिस घर में जो मालिक है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो सोचती है मेरा बॉयफ्रेंड तो शक मालिक पे जाता है, लेकिन ये मालिक तो वो मालिक है ही नहीं, वो मालिक तो मैं हूँ। एक्चुअली जब मैं नौकर हूँ, ये मालिक है मैं नौकर हूँ, तो फिर ये कन्फ्यूजन लड़कियों को होता है, वही कन्फ्यूजन आपको हो रहा है मालिक, आपको समझिए। थोड़े थोड़े समझ रहे हो? इतना कंफ्यूज कर दिया इसने, चेहरा ऐसा हो गया। इसका मतलब मालकिन समझ गई, मालिक हमला। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह नौकर की वजह से मालिक बच गया कुत्ते के जैसे। लेकिन क्या मालिक हमेशा बचता रहेगा यूं ही पप्पी लेके, या कभी इसकी वाट लगेगी कुत्ते के जैसे? जानने के लिए देखिए कॉमेडी सर्कस के महाबली हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। कैसे पप्पी लेके? बढ़िया लगा। जी आज थोड़ी आशा जी थोड़ी कम थी। अच्छा? थोड़ा आशा जी आ रही हैं। अच्छा लगा जैकी तुम आए, नेहा आप भी आई, बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे लोग हैं, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। एंड मुबीन एंड मंत्रा बोथ ऑफ यू, आई थिंक दिस ट्रायो इज अमेजिंग, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। सोहेल, बहुत मुश्किल होता है क्या तीनों में एक एक्ट बैलेंस करना? यू हैव डन इट सो वेल यार, हमेशा एक थोड़ा भारी पड़ जाता है। यू गाइस आर 33 33 33 ऑल द वे। मंत्रा विल विश यू गाइज एज नाना पाटेकर एंड मुबीन विल विश यू गाइज एज ऋतिक रोशन। इनकी पिक्चर हिट होगी होगी। अरे इतनी हॉट लड़की बैठी है यहाँ पर, अरे इसको छोड़ो, इतनी हॉट लड़की इसको देख के मुर्गी भी उबला हुआ अंडा देती है, बहुत हॉट है ये। कंग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक ऋतिक, तू बोल।
एक्चुअली मैं बता नहीं सकता, और सूजी ने मुझे कहा था ये फिल्म देखा बहुत मजा आएगा, एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स वेरी एक्चुअली इंग्लिश में